अम्बेडकर नगर से खबर है जहां आशा देवी नाम की एक महिला बसखारी थाने पर शिकायती पत्र देते हुए कहा है कि मेरा बेटा समवेश, इसकी उम्र 20 वर्ष है, 4 जनवरी 2023 को घर लगभग शाम के 5 बजे दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था। रात 9 बजे फ़ोन करके बताया कि बसखारी में बस नहीं मिल रही है, वापस आ रहा हूँ। उसके बाद मेरे लड़के का मोबाइल बंद हो गया, काफ़ी तलाश किया, कोई पता नहीं चला। फिर बसकारी थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आशा देवी ने बताया कि मेरे लड़के ने मुझे व मेरे ज्येष्ठ अच्छेलाल को रंजना पत्नी संग्राम व अनुज पिता बुद्धिराम ग्राम पटना मुबारकपुर के साथ की फ़ोटो के बारे में हम लोगों को बताया था। ये फ़ोटो अनुज को दिखाकर उसने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप को दिखाने जा रहा हूँ। तब से लड़का गायब है। कल 14 जनवरी 2023 को रंजना की माँ मेरे घर आई थी और उसने कहा तुम्हारा लड़का जिंदा है, आधा पैसा तुम खर्च करो, आधा हम करेंगे, दिखाने सुनाने के बाद लड़का वापस आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लड़के की हत्या उसी फोटो के कारण अनुज पुत्र बुद्धिराम ने किया। इस तरह के आरोप इस महिला ने लगाया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।